बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ईपीआई को कवर करने वाले हैं। ईपीआई स्टैंड फॉर एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ओके, तो ईपीआई को हम यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, या जो सिंपल इसकी एब्रीविएशन है वो है एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ओके, ठीक हो गया। इस ईपीआई प्रोग्राम को हम यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। अब ईपीआई होता क्या है? ईपीआई एक ऐसा प्रोग्राम है, ईपीआई एक प्रोग्राम है जिसमें हम इम्यूनाइजेशन करते हैं किसकी? चिल्ड्रन बिलो 23 मंथ्स। हम इन बच्चों की इम्यूनाइजेशन करते हैं या वैक्सीनेशन सिंपल करते हैं। और जो वैक्सीनेशन होती है वो 8 डिजीज को कवर करती है। 8 कॉम्युनिकेबल डिजीज। वो 8 डिजीज कौन कौन से हैं जिनको वो कवर करता है ये प्रोग्राम? तो 8 डिजीज होते हैं जिनको ये प्रोग्राम कवर करता होता है। इन डिजीज की या इन इन्फेक्शियस माइक्रोब की वैक्सीन अवेलेबल होती है, वो कौन कौन सी है? टीबी, टीबी की जो वैक्सीन होती है उसको BCG बोलते हैं, जो कि लाइव एटीन्यूएटेड होती है। पोलियो, पोलियो की 2 टाइप की वैक्सीन होती है, OPV एंड IPV। OPV नाम से लग रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं। और दूसरा I4 इंजेक्टेबल, जिसमें इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म होता है। मीजल्स, मीजल्स की रूबेला के साथ मिल के एक वैक्सीन बनती है, और मम्स के साथ भी, जिसको बोलते हैं MMR। अगर आपसे पूछे कि कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कौन कौन सी है, तो उसमें पहली तो आ जाएगा MMR। इसके बाद जो डिजीज आते हैं, डिफ्थीरिया, पर्टियोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इन 5ों की एक और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है, दिस इज कॉल्ड पेंटा वैलेंट वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है, और जिसमें डिफ्थीरिया की और पर्टियोसिस की टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है, यानी यहाँ पर जो इम्यूनोजन है वो इनका टॉक्सिन होता है। ठीक हो गया। डी और पी, डी फॉर डिफ्थीरिया एंड पी फॉर पर्टियोसिस। असल में मिस्टेक हो गई है, पर्टियोसिस की किल्ड होती है, किल्ड होती है, लेकिन टेटनस की टॉक्सॉइड होती है। हेपेटाइटिस बी की रिकॉम्बिनेंट होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की असल में कॉन्जुगेटेड होती है, मिली भी होती है, लेकिन ओवरऑल ये पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, और ये कॉन्जुगेटेड कैटेगरी के अंदर आती है। MMR पेंटावेलेंट, ठीक हो गया। ये वैक्सीन हमारी कॉन्जुगेटेड होती है। DPT ये भी कॉन्जुगेटेड होती है, मिक्सड वैक्सीन होती है। और लास्ट में एक और डिजीज रह गया है, वो है नीमोकोकल। इसकी जो वैक्सीन होती है उसको नीमोकोकल कैप्सुलर वैक्सीन कहते हैं। तो ये 8 डिजीज है जिनको ईपीआई प्रोग्राम कवर करता है। अब जो ईपीआई का जो टेबल होता है स्केड्यूल वाला, उसको आपने किस तरह से ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछा जाएगा। तो ये आपको मैं टेबल ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने उसका टाइम ड्यूरेशन को नोट करना है कि कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगती होती है। तो पहले आपने क्या लिखना है, पहले आपने हेडिंग देनी है टाइम की। ठीक हो गया। पहले आपने हेडिंग देनी है टाइम की, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देनी है कि कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगती है, फिर उन वैक्सीन की डोज क्या होनी चाहिए, फिर उन वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, फिर उनकी साइट क्या होना चाहिए। साइट और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। साइट हमारी बॉडी का स्पेसिफिक रीजन होगा, अपर लिम्प, लोअर लिम्प, जहाँ पर देंगे। और रूट लाइक ये ओरल रूट है, इंट्रावीनस, जिस तरह आपने ड्रग्स के रूट पढ़े थे। और इसके बाद वो कौन सी टाइप की वैक्सीन है, यहाँ पर किल्ड है या इनएक्टिवेटेड है, रिकॉम्बिनेंट है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने टाइम को रट्टा मारना है। पहला जो टाइम होगा वह द टाइम ऑफ बर्थ है। दूसरा जो टाइम होगा वो होगा हमारा 6 वीक्स। दूसरा टाइम हमारा 6 वीक्स होगा। इसके बाद जो तीसरा टाइम होगा वो होगा हमारा 10 वीक्स, यानी आपने 4 ऐड कर देना है। वंस अगेन 4 ऐड करें तो 14 वीक्स आ जाता है। इसके बाद आपने 4 ऐड नहीं करना, ठीक है, फिर आपने सीधा ऐड कर देना 9 मंथ्स। ये सपोज करो कि 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक हो गया, 9 मंथ्स। फिर इसके बाद आपने इसमें 6 ऐड कर देना है। यानी बर्थ तक उसका टाइम था 9 महीने, फिर बर्थ से लेकर 6 वीक्स का डिफरेंस था 6, तो आपने 6 मजीद ऐड कर देना है, तो टोटल हो जाएगा 15 मंथ्स। और लास्ट में आ जाएगी बूस्टर डोज, जो कि 23 मंथ्स भी होगी।
तो हमने 23 तक आके ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से आपने टाइम को याद रखना है, पहले बर्थ, फिर 6 वीक्स, फिर 10 वीक्स, फिर 14 वीक्स, फिर आपने 9 मंथ्स से जो 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है उसको रखना है। बर्थ से लेकर 6 वीक्स तक का फासला 6 का, तो आपने 9 में 6 ऐड कर देना है और लास्ट में 23 पे आके एंड कर देना है, क्योंकि 23 मंथ से नीचे नीचे आपने लेके जाना है। तो पहला तो ये हो जाएगा। अब वैक्सीन कौन कौन सी आपने अप्लाई करनी है, ओके? आपको पता है कि जब पैदाइश से लेकर अब तक आपके राइट डेल्टॉइड रीजन के अंदर एक स्कार होगा, वो BCG वैक्सीनेशन का होता है, ओके? BCG को क्या बोलते हैं, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, TB की वैक्सीन होती है। तो जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है वो BCG लगती होती है, ओके? ठीक हो गया। इसके अलावा जो BCG होती है, ओके, पहले मैं वैक्सीन को कवर कर लेते हैं। अच्छा, एट द टाइम ऑफ बर्थ पहले जो वैक्सीन लगती है वो BCG लगती है। इसके अलावा एक और वैक्सीन भी लगती है, वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो के ड्रॉप होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक हो गया। और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है तो हम उसको 0 से शो करते हैं, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और वैक्सीन भी लगती है, वो है हेपेटाइटिस बी। ये आइसोलेटेड है, कुछ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी होगा, मैं बता दूंगा, ओके? तो उसको याद किस तरह से करना है, इसका निमोनिक होता है हॉट, HOT, H for Hepatitis B, O for Oral Polio Vaccine, T for TB, और TB की जो वैक्सीन होती है वो BCG होती है, ओके? जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी लगती है, 6 वीक में भी लगती है, ओके? ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो 10 वीक्स में भी लगती है, 14 वीक में भी जाके लगती है। तो आपने इन सब में लिख देना है OPV, ओके, 14 तक आप ले जाओ OPV, ओके? लेकिन यहाँ पर डोज 1 आएगी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक हो गया। 14 वीक्स पे आते हुए एक और वैक्सीन भी ऐड हो जाएगी पोलियो की, वो होती है IPV, ओके, जिसको इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ तक तो हमने पोलियो को फिनिश कर लिया। इसके बाद 6 वीक पर एक और भी लगती है, उसका नाम है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के अंदर मजीद 5 होती है, DPT, हेपेटाइटिस बी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ओके? तो पेंटावेलेंट लगती है, और पेंटावेलेंट ये भी 3 डोज होगी, ओके? एक पेंटावेलेंट आपके 6 पे लगनी है, 10 पे लगनी है और 14 पे लगनी है। तो 1 यहाँ पे भी लिख देते हैं पेंटावेलेंट, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, और पेंटावेलेंट 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, ठीक हो गया। फिर इसके बाद एक और वैक्सीन भी यहाँ पे लगनी है जो पेंटावेलेंट को रिजेंबल करेगी, जिस तरह मैंने नीचे लिखा हुआ था, वो था PCV, पॉलीसेक्राइड नहीं कहना चाहिए इसको, निमोकोकल कैप्सुलर वैक्सीन, या पॉलीसेक्राइड भी चलो कह लो, ओके, ठीक हो गया। और ये भी पेंटावेलेंट के साथ जुड़ी हुई होती है, इस वैक्सीन का पूरा नाम ये होता है, ओके? तो इसकी भी फर्स्ट डोज यहाँ पे लगती है, 10th पे आते हुए इसकी भी PCV 10 की दूसरी डोज, यानी जहाँ पे पेंटावेलेंट होगा वहाँ पे इसने भी आना है, ओके? PCV 10 की तीसरी डोज भी लगेगी, ठीक हो गया, ओके? इसके अलावा यहाँ पे आके 14 वीक्स पे आके IPV ऐड हुआ था, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक और वैक्सीन भी लगनी है, उसका नाम है रोटा, ओके? रोटा बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाता है वायरस, तो रोटा की भी 2 लगनी है, लेकिन 14 के अंदर रोटा की कोई नहीं लगनी, क्योंकि इसकी जगह IPV आ गया है। तो 6 वीक्स के अंदर जो निमोनिक होता है वो होता है प्रो, ओके? 2 P आ रहे हैं, पेंटावेलेंट और PCV, जहाँ पेंटावेलेंट आएगा वहाँ PCV भी आएगा, R फॉर रोटा एंड O फॉर OPV, यहाँ के अंदर 6 और 10th वीक का स्केड्यूल सेम है, ओके? और 6, 10th का और 14 में क्या फ़र्क होगा, रोटा की जगह IPV आ गया है और कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ओके? अब 9 मंथ्स और 15 मंथ्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक वैक्सीन ऐड होगी, उसका नाम है MR, पाकिस्तान के अंदर यही वैक्सीन अवेलेबल है, MR1, MR2, बूस्टर को मैंने छोड़ दिया है 23 मंथ्स वाला, ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सारा वैक्सीन का बता दिया है, चलो बूस्टर का भी बता देता हूँ। बूस्टर जो लगती है वो DPT लगती है और पोलियो लगती है, ओके, ठीक हो गया। लेकिन अगर बेबी 24 मंथ्स का है, 23 से नीचे का नहीं है, तब सिर्फ DT लगेगी, पर्ट्यूसिस को इन्होंने निकाल दिया है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने पूरा वैक्सीन का स्केड्यूल वगैरह याद कर लिया है, ओके? इसके बाद हम आगे चलते हैं डोज को। अब डोज मेजॉरिटी के अंदर 0.5 ml है, ओके? मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन की डोज 0.5 ml है। अब जिनकी 0.5 ml नहीं है मैं उनका बता देता हूँ, लाइक जो TB वाली है, BCG है, वो 0.1 होती है, अगर एज 1 मंथ से ऊपर है, 1 महीने से ऊपर का बेबी है तो 0.5 ml होगा, लेकिन अगर उससे नीचे है तो 0.05, क्योंकि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक हो गया। जो OPV है
ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है, दो ड्रॉप्स। तो जहाँ ओपीवी है वहाँ पे दो ड्रॉप्स लिख लेते हैं, जहाँ ओपीवी है वहाँ पर दो ड्रॉप्स हम लिख लेते हैं। ओके ठीक हो गया। उसके अलावा बाकी सब के अंदर तो 0.5 ml होगा। एक और जगह पर एक्सेप्शन है, वो है रोटा के अंदर। रोटा के अंदर 1.5 ml है। ओके बाकी हर एक के अंदर 0.5 ml है, तो उसको रट्टा मार लेना 0.5 ml। तो 0.5 ml लिख लेते हैं, ये भी 0.5 ml, ये भी 0.5 ml। ठीक हो गया। जो नहीं है आपने उसको नोट करना है। ओके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अभी मैं छोड़ देता हूँ, अभी मैं साइट को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके जो ओपीवी है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, डैट मीन्स कि ये ओरली दी जाएगी। और जो रोटा वायरस का इन्फेक्शन होता है वो जीआईटी को इन्वॉल्व करता है, डैट मीन्स कि इसकी जो रोटा वायरस की भी वैक्सीन है वो भी आपको ओरली साइट पे देगी, ओरल कैविटी पे दी जाएगी। ओके तो जहाँ पर रोटा है वहाँ पर भी हम ओरल ऐड कर देते हैं, ओरली ओरली। ओके यहाँ पर भी ओरली ऐड कर देते हैं। ओके ठीक हो गया। तो ये हम इस तरह से नोट कर लेंगे। अब BCG के बारे में बात करते क्या हैं। BCG हमेशा राइट शोल्डर में या राइट डेल्टॉइड रीजन के अंदर देते हैं। रीजन की बात कर रहे हैं, मसल की बात नहीं कर रहे, वैसे मसल ही रीजन होता है। तो राइट डेल्टॉइड में BCG लगती है, लेकिन जो लेफ्ट डेल्टॉइड है वहाँ पर MR लगती है, लेफ्ट डेल्टॉइड के अंदर MR लगती है। ओके ठीक हो गया। अब जो हेपेटाइटिस, इसके अलावा बाकी जो वैक्सीन होती है, बाकी वैक्सीन का भी दिखा देता हूँ। जो पी वाली है, 3P, एक पी में पेंटावेलेंट, और जहाँ पे पेंटावेलेंट आएगा वहाँ पे PCV भी आएगा और IPV। ओके ये कहाँ पे लगती है, ये लगती है एंटीरो लैटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई। लेकिन जो पेंटावेलेंट होती है वो एंटीरो लैटरल आस्पेक्ट ऑफ राइट थाई में लगती है, लेकिन जो बाकी जो होती है वो एंटीरो लैटरल आस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई में लगती है। ओके IPV वगैरह, तो आप इसको नोट कर सकते हो इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी साइट को। ओके तो इस तरह से आपने साइट को नोट कर लेना है। इसके बाद अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो BCG है। ओके BCG लगती है इंट्रा डर्मल लगती है। ओपीवी नाम से लग रहा है कि ओरल रूट होगा। ओके जो हेपेटाइटिस बी वाला है ये लगता होता है इंट्रा मस्कुलर लगता होता है। ओके इसका इंजेक्शन इंट्रा मस्कुलर, ओपीवी वंस अगेन ओरल है। ओके पेंटावेलेंट है, एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई है, तो ये ऑलवेज इंट्रा मस्कुलर इंट्रा मस्कुलर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। लेकिन जो MR वाली है वो लगती होती है सबकुटेनियस। ओके कहाँ पे लगती होती है, सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर। तो बाकी सब चीजें यहाँ पे कवर कर दी है। अब टाइप की बारी है। ओके तो जो टाइप्स है ज्यादातर लाइव है, लेकिन जो लाइव नहीं है वो कौन कौन सी है, लाइक हेपेटाइटिस बी वाली ये रिकॉम्बिनेंट होती है। ओके पेंटावेलेंट के अंदर मजीद 5 होती है, उसमें डिफ्थेरिया और टेटनस वाली टॉक्सॉइड है, पर्ट्यूसिस वाली किल्ड है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वाली कॉन्जुगेट है, और हेपेटाइटिस बी वाली रिकॉम्बिनेंट होती है। ओके नीमोकोकल वाली ये भी रिकॉम्बिनेंट होती है। ओके ठीक हो गया, नीमोकोकल भी रिकॉम्बिनेंट हो गया, और जो IPV है वो इनएक्टिवेटेड है। ओके इसके अलावा बाकी तो सारी वैक्सीन होती है वो सारी की सारी लाइव बट एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। उनके अंदर इम्यूनोजेन जिंदा होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, बीमारी नहीं फैला सकता, लेकिन उसके पास एंटीजेनिसिटी होती है। ठीक हो गया। अब इस कैजुअल के अंदर कुछ ऐसे डिजीज भी है जो कि EPI के अलावा लेकिन दूसरे प्रोग्राम से कवर होते हैं, लाइक EPI के अंदर तो 8 है ना, लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम है जिनके तहत वैक्सीन बन गई है उसमें येलो फीवर, मेनिन्जोकोकल मेनिनजाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, रेबीज, हेपेटाइटिस ए और मांस, इनकी भी वैक्सीन आ गई है, लेकिन ये EPI स्केजुअल के अंदर कवर नहीं होते। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरे EPI स्केजुअल को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।